कि ईद हम मनाएंगे, ईद हम मनाएंगे, मुस्तफा की आमद है। और जरा झमके बोलिए सुभान अल्लाह। और एक बार बोलते थे यार रसूलल्लाह, भाई इधर के लोग बहुत खामोश से सुन रहे हैं उस शुरू से लेकर अब तक। हाँ देख रहा हूँ यही लोग सिर्फ बोल रहे हैं। भाई आप लोग बुला कीजिए, नेकियों की जरूरत सबको है, है कि नहीं? मैंने पहले कहा कि एक मरतबा बोलते हैं 90 नेकियां मिलती हैं। किसी में इतना फायदा है दुनिया के कामों में, किसी में इतना फायदा नहीं, तो बोला कीजिए आप। कि ईद हम मनाएंगे, ईद हम मनाएंगे, मुस्तफा की आमद है। ईद हम मनाएंगे, मुस्तफा की आमद है। ईद हम मनाएंगे, मुस्तफा की आमद है। ईद हम मनाएंगे, ईद हम मनाएंगे, मुस्तफा की आमद है। अरे मुस्तफा की आमद है, हर गली सजाएंगे, मुस्तफा की आमद है। 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 और एक शेर मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब कुल्ला के हवाले से पढ़ता हूँ, पूरा आजमा झुमके बोलिए सुभान अल्लाह। और एक और बोल दीजिए यार रसूल अल्लाह, के काम ये सिखाया है, के काम ये सिखाया है हमको आला हजरत ने, के काम ये सिखाया है हमको आला हजरत ने, काम ये सिखाया है हमको आला हजरत ने, काम ये सिखाया है। हजरत ने के धूम हम मचाएंगे, मुस्तफा की आमद है। के धूम हम मचाएंगे, मुस्तफा की आमद है। धूम हम मचाएंगे, मुस्तफा की आमद है। धूम हम मचाएंगे, मुस्तफा की आमद है। ईद हम मनाएंगे, मुस्तफा की आमद है। कि जानते हो तुम ये है जिब्राइल की सुन्नत। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। ये जो हम लोग झंडा लगाते हैं, जो अपने घरों में झंडा लगाते, किसकी सुन्नत है? हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम की सुन्नत है। हाँ पूरा आजमा झमके बोलिए सुभान अल्लाह। और एक दुआ बोल दीजिए यार रसूल अल्लाह, के जानते 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 हो तुम ये है जिब्राइल की सुन्नत, जानते हो तुम ये है जिब्राइल की सुन्नत, जानते हो तुम ये है।
सुन झंडा हम लगाएंगे मुस्तफा की आमद है कि 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 सुन्नियों की महफिल में झूम झूम कर सबको बोलिए सुभान अल्लाह और एक बोल दीजिए यार रसूल अल्लाह कि सुन्नियों की महफिल में झूम झूम कर सबको सुन्नियों की महफिल में झूम झूम कर सबको सुन्नियों की महफिल हम सुनाएंगे मुस्तफा की आमद है कि नाते हम सुनाएंगे मुस्तफा की आमद है कि नाते हम सुनाएंगे मुस्तफा की आमद है कि अपनी बच्चियों को जो खुद यहाँ सताते थे अच्छा शेर हाँ झुमके बोलते थे यार रसूल अल्लाह कि अपने बा बच्चियों को जो खुद यहाँ सताते थे अपने बच्चियों को जो अब जानते हैं ना कि मैं कैसे पढ़ता हूँ कैसे बुलवाता हूँ हाँ वो भी फन जानता हूँ लेकिन मैं चार जापानी से बोले आप ताकि मैं जल्दी से पढ़ के बैठ जाऊँ इसलिए वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है हज़रत अल्लामा गुलाम नबी साहब की गुफ्तगू होगी हाँ मैं चाह रहा हूँ जल्दी से माहौल बना दा ये गुजारिश आखिरत के सब लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए इसलिए कि आप माहौल बनाने के लिए ज़्यादा आदमी ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग खड़े होकर एकदम नबी के नाम पर एकदम खड़े होकर एकदम सामने आ जाइए हाँ भाई इसलिए कि नबी के मोहब्बत में आए हैं हाँ नबी की मोहब्बत में सब लोग आए हैं नबी के जलसे में आए हैं तो मेरी बात मान जाइए मेहमानों की बात मानी जाती है कि नहीं भाई पीछे से लोग बैठे हैं आप भी आ जाएं इसलिए कि आप वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है बहुत ज़्यादा ये प्रोग्राम चलेगा नहीं अब सलातो सलाम पढ़ेंगे हम लोग हाँ अगर नहीं आना तो बैठे रहिए लेकिन जाइएगा मत हाँ पूरा जमा झुमके बोलिए सुभान अल्लाह और एक होगा बोल दीजिए यार रसूल अल्लाह और एक होगा बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि अपने बच्चियों को जो खुद यहाँ सताते थे अपने बच्चियों को जो आजकल की लड़कियां जो मेरी माँ बहन है हाँ कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं वो कहती हैं कि हम दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे हाँ ऐसी कुछ लड़कियां ऐसी हैं अगर उनकी शादी लग जाए भाई हर जगह मैं देख रहा हूँ मेरे गांव में हो या आपके गांव में हो या आपके जिले में हो या मेरे जिले में हो अगर उस लड़की की शादी अगर किसी दाढ़ी वाले से कर दिया जाए तो कुछ लड़कियां तो बहुत नेक होती हैं कुछ लड़कियां अगर हम शादी नहीं करेंगे लेकिन वो लड़की अपनी वकार को नहीं समझती है मेरी क्या औकात मेरी क्या हैसियत अगर दाढ़ी वाले ना आते तुम्हारी क्या औकात क्या हैसियत बताइए भाई दाढ़ी वाले अगर ना आते इस दुनिया में तुमको कौन पूछता कोई नहीं पूछता हाँ एक शेर पढ़ता हूँ उनके बोलिए सुभान अल्लाह कि अपने बच्चियों को जो खुद यहाँ सताते थे अपने बच्चियों को जो खुद यहाँ सताते थे अपने बच्चियों को जो अपने बच्चियों को जो खुद यहाँ सताते थे
खुद यहाँ सताते थे अब नहीं सताएंगे। मुस्तफा की आमद है 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 कि कह उठी ये बेवाएं खुल के अब जमाने में। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। और एक मौका बोल दीजिए यार रसूल अल्लाह के कह उठी कह उठी कह उठी ये बेवाएं खुल के अब जमाने में। कह उठी ये बेवाएं खुल के अब जमाने में। कह उठी ये बेवाएं जमाने में हम भी मुस्कुराएंगे। मुस्तफा की आमद है हम भी मुस्कुराएंगे। मुस्तफा की आमद है। मक्ता पढ़ता हूँ झुमके बोलिए सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा बोल दीजिए यार रसूल अल्लाह के दम में जब तलक दम है के दम में हाँ दम में हाँ दम में हाँ दम में जब तलक दम है गीते उनके ए तहजीब। सिर्फ तहजीब रजा नहीं ये समझ लीजिए आप हजरात को भी चाहिए कि जब तक दम रहे तब तक नबी के नाते पर पढ़ते रहिए। पूरा आजमा झुमके बोलिए सुभान अल्लाह। कसम खुदा के नबी के नाते पर पढ़ते पढ़ते अगर मौत हो गई क्या पूछना। किस्मत के अंदाजा क्या लगा सकते हैं आप अपनी किस्मत के। दम में जब दम में दम दम में जब तलक दम है गीते उनके ए तहजीब। दम में जब तलक दम है गीते उनके ए तहजीब। दम में जब तलक दम है गीते उनके ए तहजीब। नहीं अब तो सलातो सलाम पढ़ने का टाइम हो गया लेकिन अब ये अभी कुछ देर क्या इन लोग का मतलब ये क्या अच्छा वही बात ना हजरत का बयान उसके बाद सलातो सलाम ना जी जी जी। नहीं मैं फरमाइश बहुत सारे लोग कहीं अब लोग देख रहे कहीं सुन रहे अब वक्त भी लोग सोच रहे हैं कि अब जल्दी सलातो सलाम पढ़ दिया जाए ये चाह रहा आप ना। पढ़ देंगे झुमके बोलिए सुभान अल्लाह। और एक बोल दीजिए यार रसूल अल्लाह। और एक झुमके बोलिए सुभान अल्लाह के दम में जब है दम में जब तलक दम है गीते उनके ए तहजीब। दम में जब तलक दम है गीते उनके ए तहजीब। दम में जब तलक दम है हम तो गुनगुनाएंगे। हम तो गुनगुनाएंगे। मुस्तफा की आमद है हम तो गुनगुनाएंगे। मुस्तफा की आमद है ईद हम मनाएंगे। मुस्तफा की आमद है हर गले सजाएंगे। मुस्तफा की आमद है।